दोस्तों, वर्क इंडिया पर और अपना जॉब पर नौकरी तलाश रहे हो तो सावधान हो जाना, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका पैसा डूब जाएगा भाई, सच कह रहा हूँ मैं, आपका पैसा डूब जाएगा और काफी लोगों का पैसा डूबा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का पैसा डूबे, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब कोई कमेंट में ये कहता है कि मेरा इतना पैसा डूब गया। हकीकत कह रहा हूँ, एक समय था जब मेरे साथ भी यही घटना हुआ है। मुझे पता है कि दिमाग कितना खराब होता है, इंसान अंदर से टूट जाता है, हताश हो जाता है, उसका मन व्याकुल हो जाता है। एक तो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा है, नौकरी भी नहीं मिला, ऊपर से पैसा भी डूब गया, तो भाई दिल में लगता है यार, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ बुरा हो। होता क्या है कि काफी लोग वर्क इंडिया पर और अपना जॉब पर नौकरी तलाशते हैं, और काफी लोगों को ये लगता है कि सभी नौकरी बिल्कुल सही होता है। लेकिन दोस्तों, वर्क इंडिया पर और अपना जॉब पर काफी सारी नौकरियां सही नहीं होता है, सच कह रहा हूँ मैं, सही नहीं होता है, सावधान हो जाना। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्क इंडिया और अपना जॉब वालों को भी नहीं पता है कि मेरे ऐप पर जो कंपनी है सही है या फिर गलत है, उनको भी नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों, वर्क इंडिया और अपना जॉब पर काफ़ी सारी कंपनी रजिस्टर है, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। मतलब ये है कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी फ्रॉड है, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होता है। ऐप बिल्कुल जेन्युइन है, वर्क इंडिया भी ऐप बिल्कुल जेन्युइन है और अपना जॉब भी बिल्कुल जेन्युइन है। वर्क इंडिया वाले और अपना जॉब वाले कभी नहीं कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आप किसी को पैसा दो, वो खुद मना करते हैं, चाहे वर्क इंडिया हो चाहे अपना जॉब हो, वो खुद मना करते हैं। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वर्क इंडिया ऐप पर आप कंप्लेन कर सकते हो या फिर अपना जॉब पर आप कंप्लेन कर सकते हो। मतलब ये है कि जिस ऐप से भी आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, उस नौकरी की तलाश जिस ऐप से भी कर रहे थे, उस समय आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आप उस ऐप पर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, होता क्या है ना कि काफ़ी सारी कंपनी रजिस्टर है, तो वर्क इंडिया वाले को और अपना जॉब वालों को पता ही नहीं चलता कौन सी सही कंपनी है और कौन सी गलत कंपनी है, और वो लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो लोग मेल भेजते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि हाँ भाई इंटरव्यू है, और आपको बुलाएंगे, और जब आप इंटरव्यू के दौरान आपसे पैसा मांगा जा रहा है, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद आपसे पैसा मांगेगा, मतलब कुछ भी कहकर वो पैसा मांग सकते हैं, कुछ भी कहकर। अगर आपने पैसा दे दिया तो भैया आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका पैसा डूब गया। गरीबी में जो आटा गीला होता है ना, वो यही होता है भाई, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि एक तो नौकरी नहीं मिला, ऊपर से पैसा डूब गया, और उनका जो ऑफिस रहता है ना, बस कुछ समय के लिए ऑफिस रहता है, ऑफिस भी गायब हो जाएगा, कोई लेटर देंगे ना वो लेटर भी गायब हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान किसी को पैसा देना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना भी भरोसा दिलाए आपको, लेकिन कभी भी किसी पर भरोसा मत करना। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पैसा दे रहे हो तो भैया आपका पैसा पानी में चला जाएगा, मतलब पैसा आपका डूब गया, सच कह रहा हूँ, पैसा आपका डूब गया। चाहे कोई कितना भी जेन्युइन तरीके से बता रहा है और आपको भरोसा दिला रहा है कि भाई आपका जॉब लग जाएगा, लेकिन पैसा नहीं देना है, सच कह रहा हूँ मैं, पैसा नहीं देना है। अगर पैसा दिए तो भाई आपके साथ फ्रॉड काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल हो जाएगा। जहाँ पर भी पैसे की मांग किया जा रहा है, मतलब जहाँ पर भी पैसा मांगा जा रहा है, वहाँ पर फ्रॉड काम हो रहा है, इतना ध्यान में रखना है। काफी लोग नौकरी की तलाश में अपना जॉब
और वर्क इंडिया ऐप को डाउनलोड कर देते हैं। उसके बाद नौकरी तलाश करेंगे, एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो दोस्तों अपना जॉब पर और वर्क इंडिया ऐप पर काफ़ी सारी कंपनियां रजिस्टर है, काफ़ी सारी, और ज़्यादातर कंपनियां फ्रॉड हैं। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर कंपनी फ्रॉड है, मतलब बेरोजगार युवा को फंसाया जाता है, बुलाकर फंसाया जाता है, उनसे पैसा लूटा जाता है। भाई पैसा लूटा जाता है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी जगह पर पैसा मांगा जा रहा है तो वहां पर फ्रॉड काम होगा, बिल्कुल होगा। और वर्क इंडिया और अपना जॉब कभी नहीं कहता कि आप पैसा दो किसी को इंटरव्यू के दौरान, बिल्कुल नहीं देना है। आपसे इस तरह पैसे मांगेंगे कि आपको ये लगेगा कि भाई मेरा तो इंटरव्यू पास हो गया हूँ, मैं इंटरव्यू में, आपको ये लगेगा कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, अब नौकरी मिल जाएगा। नौकरी कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका पैसा डूब जाएगा, कहेंगे बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, सैलरी अकाउंट, उस ऐसे बोल के भी पैसा लेते हैं, या फिर सिक्योरिटी चार्ज है, या फिर कोई ना कोई चार्ज आपका लगाकर पैसा लेंगे ही आपसे, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है। कहेंगे कि किसी और से पैसा मंगवा लो, फोन पे, गूगल पे, कहीं से भी मंगवा लो, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए। उनका मकसद ये होता है कि भाई जितने भी युवा हैं बेरोजगार, उनको पकड़ा जाए और उनसे पैसा लूटा जाए नौकरी के नाम पर, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ मैं। और दोस्तों जो लोग भी नौकरी तलाश रहे अपना जॉब पर और वर्क इंडिया पर, बिल्कुल सावधान हो जाना, बिल्कुल सावधान हो जाना, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड काम हुआ है, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई मेरा तबीयत भी ख़राब है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि कई दिनों से खांसी हो रहा है भाई। कंठ है ना, कंठ है, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ अंदर से आ रहा है और कंठ रोक दे रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। लेकिन भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भाई का पैसा डूबे या किसी और का पैसा डूबे, भाई बुरा लगता है। मैं इस घटना से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है क्या हालत होता है, क्या परेशानी होता है। एक तो जिम्मेदारियां घर की, ऊपर से नौकरी नहीं है, ऊपर से थोड़ा बड़ा इधर उधर से पैसे मांगते हैं कि इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वो पैसा भी डूब गया, या फिर किसी से उधार लेकर वो पैसा आपने डुबा दिया। पैसा तो देना ही नहीं है भाई, देना ही नहीं है इस दुनिया में भाई, भरोसा करना है, लेकिन किस पे करना है किस पे नहीं करना है ये आपको तय करना है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं भाई, फ्रॉड काम बहुत चल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई नहीं बताएगा। पैसा देना ही नहीं है, बाकी के लिए इतना ही चाहिए।